स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। आप सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़े में होंगे। मैं प्रकाश कुदरत सैलफ खान ब्रो की फिर से वीडियो पाकिस्तानी एक्शन चैनल रोस्ट पार्ट 2। तो एक वीक बाद हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारी वीडियो जो वन वीक बाद बनाना, क्योंकि डिस्क्लेमर दिया होता कि मेरे वीक, अच्छा इसका चैनल एक वीक से पहले ना दे। इसका जो ये पहले वाला वीडियो जब इन्होंने बताया था हम लोगों को, मैंने दे दिया ना, अपलोड कर दी, पब्लिश कर दी, बाद में जब देखा तो मैंने वापस उसको डिलीट कर दी, कहीं कुछ कर न दे। अभी हमारा वीडियो हमारा कैसे लगता है, हमारा फेक है या रियल है, आप लोग डिसाइड करो। अगर हम लोगों का फेक होता तो कब कम लोगों को भी इस लिस्ट में ले आता। ये लोग बोल देना, वो तो लोग वजह से डिसाइड करेंगे। देखते हैं, एक ट्रिपलो की वीडियो है, काफी अच्छा रोस्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। मैं शेयर कर रहा हूं कि आप प्लीज फॉलो Instagram को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। तो प्ले कर लो पार्ट 2 है, पार्ट 1 लोगों ने बनाई है, आप चेक कर सकते हो। ये सही है, भिखारी को भिखारी ना कहें, पेटू को पेटू ना कहें, अंधे को अंधा ना कहें, मीठे को मीठा ना कहें, तो आखिर कहें क्या? ये समस्या है, क्या बोल रहे हैं भाई? मैंने इन्हें भिखारी बोला तो इन लोगों को बुरा लग गया। इधर गूगल इनको इंटरनेशनल भिखारी सदियों पहले ही घोषित कर चुका है, उसका कुछ नहीं। बात तो सही है। अब भाई आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने पाकिस्तान रिएक्शन चैनल रोस्ट का पहला पार्ट नहीं देखा, वो पहले पहला पार्ट अगर देखो तभी ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। वीडियो का लिंक बताना डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और जो भाई पहला पार्ट पहले ही देख चुके हैं उन सबके लिए दिल से थैंक यू। और भाई कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई फेस रिवील कब करोगे, तो भाई उनको बता दूं बस 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की देर है, क्योंकि भाई चैनल बनाते टाइम भूले भटके विद्या रानी की कसम खा ली थी कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही फेस रिवील करूंगा। और बस जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा दो तो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने होगा। अब भाई बकचोदी बहुत हो गई, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पाकिस्तान रिएक्शन चैनल रोस्ट पार्ट 2। तो भाई लोग ये है पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की दो ऐसी फर्जी नारी जो रिएक्शन के नाम पर लोगों का तबला बजा रही है। एक का नाम है शहर, एक का नाम है नयब। शहर का काम है वीडियो के थंबनेल में आउ यस ओ माय गॉड जैसी ध्वनि निकालते हुए फेस एक्सप्रेशन देना, और वही नयब का काम है पाउट हार्ट और लोगों को चूतिया बनाने वाले एक्सप्रेशन देना, क्योंकि वीडियो में तो वैसे भी इन्हें कुछ करना नहीं होता, इसलिए ये अपनी सारी क्रिएटिविटी दिखाती हैं थंबनेल बनाने में, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। और थंबनेल बनाने में मोस्टली यूज किया जाता है फेस एक्सप्रेशन का, जो वीडियो के टाइटल के साथ साथ बदलता ही रहता है। जैसा वीडियो का टाइटल वैसे ही फेस एक्सप्रेशन, जैसे छोटी हंसी, बड़ी हंसी, उससे भी ज्यादा बड़ी हंसी, छोटा सदमा, बड़ा सदमा, भयंकर सदमा, थोड़ा गुस्सा, ज्यादा गुस्सा, बहुत ही ज्यादा गुस्सा। अल्लाह माफ करे, बहुत मेहनत लग रही है, मत करो। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकता, अब इसे देखो थंबनेल पर टाइटल हबसी सॉन्ग है बॉस, नोटी सैया जी और बंदी के फेस एक्सप्रेशन। ये तो है। जितने एक्सप्रेशन तो आम इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं देता होगा, जितने एक्सप्रेशन ये 2 साल में अपनी वीडियोज के थंबनेल में दे चुकी हैं। और भाई इनकी ओवर एक्टिंग, 1971 जंग की तोपे अभी भी रखे हुए हैं, और इनका फेस एक्सप्रेशन जैसे भारत ने सभी तोपों की नली इनके ऊपर करके रखी हो। थंबनेल पर टाइटल क्या इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है, और इनके फेस एक्सप्रेशन जैसे पूरे पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया इनके ऊपर ही हमला करने जा रहा हो। थंबनेल पर टाइटल पीएम मोदी ने नंबर 1 लीडर का अवार्ड जीत लिया, और इनके फेस एक्सप्रेशन जैसे कटोरा खान ने ही अवार्ड जीत लिया हो। अबे प्राइम मिनिस्टर, हमारे अवार्ड जीते हैं, खुशी हमें होनी चाहिए, तुम क्यों खुशी में फटी जा रही हो? ओ बहन जी को इंडियन लोगों से व्यूज जो खाने हैं, और इंडियन लोगों से व्यूज खाने के लिए तो ये बंदियां हर फील्ड में एक्सपर्ट बनने को तैयार हैं। कभी रक्षा विशेषज्ञ बन जाती हैं, तो कभी इकोनॉमी एक्सपर्ट, कभी विदेश मामलों में एक्सपर्ट बन जाती हैं, तो कभी क्रिकेट एक्सपर्ट। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। जबकि हकीकत मुझे पसंद नहीं है क्रिकेट, इतनी ज्यादा मैं देखती नहीं हूँ। मतलब बंदियों को क्रिकेट पसंद नहीं, देखती भी नहीं, लेकिन 85 क्रिकेट वीडियो पर रिएक्शन देकर ज्ञान जरूर फैल चुकी है। अरे मोहतरमा, लोगों का इतना चूतिया काट कैसे लेती हो? ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। भाई इन दोनों की शक्ल पर मत जाओ, शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। भाई ये इतनी फर्जी और सातिर लड़कियां हैं कि अपने चैनल की लोकेशन में तो
तक इंडिया सिलेक्ट करके रखती है जबकि हकीकत हम दोनों लाहौर से। अब भाई अगर ये लाहौर से हैं तो क्या पाकिस्तान में वीडियो बनाकर इंडिया में अपलोड करने आती हैं? जो लोकेशन में इंडिया डाल रखा है और इनकी भारतीय लोगों को आकर्षित करने की टेक्निक, कोई हमें भी इंडिया की सिटीजनशिप दिलवा दो यार। अरे तुम्हें इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए क्यों? तुम लोग तो पहले ही अपने आप को इंडिया में घोषित कर चुके हो। प्लीज ये ट्रेन फिर से स्टार्ट करवा दो, मुझे इंडिया जाना है। अब कुछ भारतीय लोंडे खुश कि पाकिस्तानी लड़कियां इंडिया आने की बात कर रही हैं, खुशी में वीडियो देखे जा रहे हैं, सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। अरे तुम्हारी बहन को नमन, ये वीडियो डाले हुए बंदियों को एक साल हो चुका है। अगर इंडिया आने वाली होती तो ट्रेन के अलावा भी बहुत से तरीके थे, कैसे भी आ जाती, व्यूज और सब्सक्राइबर खाने के लिए तुम्हारा चूतिया नहीं काटती। यही नहीं, अभी और सुनिए, इंडियन साड़ी हमें भी चाहिए। और इन्हें चाहिए क्यों? क्योंकि भाई इनको अच्छे से पता है कि कुछ ठरकी भारतीय लोंडे, अगर लकड़ी पे साड़ी भी लपेट लो ना तो लोग सूंघते हुए आ जाएंगे। भाई ये पाकिस्तानी लोग रिएक्शन देकर तो चुतियापा फैलाते ही हैं, लेकिन सबसे बड़े अखंड चूतिए हैं वो लोग जो इनकी फर्जी रिएक्शन वीडियोज धड़ल्ले से देखते हैं। और क्यों? क्योंकि ये दो शब्द इंडिया के बारे में अच्छा बोल देती हैं। और भाई अगर तुम्हें लगता है कि ये इंडियन और हिंदू लवर हैं, तो भाई इनकी इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मतलब गाइस, तो ये मैं हूँ, ये होली वाला फिल्टर है और ये हम लोग यहाँ पे होली मना रहे हैं। हाँ बस हो गया, निकलो अब। मतलब पहले भारतीय लोगों को फॉर्मेलिटी निभाने के लिए होली विश किया और लास्ट में हाँ बस हो गया, निकलो अब। बस यही है इनकी असली कहानी। यूट्यूब पर व्यूज खाने के लिए इनका रिएक्शन कुछ और यूट्यूब के बाहर कुछ। अगर इन्हें दिल से तुम्हें होली विश करना होता तो वीडियो के लास्ट में ये लाइन ना बोलती। हाँ बस हो गया, निकलो अब। लेकिन इनकी वीडियो देखने वाले ठहरे दोगले भारतीय, खुद की बेइज्जती कराने के बाद भी इनकी वीडियो देखना थोड़ी छोड़ देंगे। फिर ये छोड़े ना छोड़े, पर मैं ऐसे फर्जी रिएक्शन चैनल्स को एक्सपोज करना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने गंद फैला रखी है, मैं अपने आप को इन्हें रोस्ट करने से रोक नहीं पा रहा। भाई मुझे लगता है वेब सीरीज की तरह पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल रोस्ट की भी सीरीज ही आने वाली है। अब तो भाई आप ऐसा समझ लो, पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स को पहनने की। हमारे चैनल पे किसी ने, मेरे ख्याल से आपने उसको सब्सक्राइब किया हुआ था। किसको? इन दोनों लड़कियों को। हमेशा मुझे इनके नोटिफिकेशन आ जाता है, बिल्कुल बेल आइकन तो बात है रियल रिएक्शन और फेक रिएक्शन की, जो यहाँ पे इन्होंने रोस्ट की हुई है। बस बात ये है कि जितने लड़कियां होती है सारी गुदरी यार, एक लोग हमारे तरफ कौन आएगा? टर्किया ये हमारे जो 60-65,000 सब्सक्राइबर है, सारे रियल लोग है, सारे अच्छे खासे लोग है, जिनको कोई वो नहीं है। हम लोगों ने जब चैनल स्टार्ट की ना, तो हमारे और एक अमर साथ एक चैनल भी स्टार्ट हुआ, उसके उसके 5 लाख सब्सक्राइबर है, हमारे 60। तो यार क्या हम लोग भी तो रिएक्शन देते हैं। और रियल में मैं आपको एक बताऊं, ऐसी वीडियोस आप चैनल को मिलेंगे, आप लोग चेक कर सकते हो कि हमें बहुत सारी गालियां इंडियन लोगों से मिली है और उनको बहुत बुरा, क्योंकि हम लोगों ने कुछ रियलिटी बताई, कुछ लोगों को बुरा लगा। पाकिस्तानी बहुत सारे गालियां देते हैं, कभी कभार हम लोग बात कह देते हैं कि यार ये बात तो सच है, मानना पड़ेगा। तो उन चीजों पर बहुत सारी गालियां हमें भी मतलब लोग देते हैं, लेकिन स्टिल हमको जो है कहाँ तक पहुँचा देते लोग, अभी तक वहाँ पे छोड़ो इंडिया में टर्की लोग बहुत ज्यादा है, लड़कियाँ छोड़ो भाई, लड़कियों को क्या करना है, वो नहीं मिलेगी आप लोगों को। इंडिया में बहुत सारी लड़कियाँ है, ये दो अच्छे अच्छे नमूने बैठे हुए हैं, अच्छा नमूने। और वैसे मजाक भी चलता है लोगों का, लोग थोड़ा शॉर्ट्स भी आजकल बना रहे हैं लोग। ये तो मैं नहीं करता हूँ, ये मुझे नहीं छोड़ रहा है कि आप जो है कुछ फैमिली वाले हमारे चैनल है, वैसे ही मैं रोस्टिंग भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ। नहीं वो वैसा नहीं, उल्टे वाले नहीं, दो अच्छा, वाले अच्छा, अच्छे वाले ट्रैक पर हम लोग जा रहे हैं। तो जितने हमारे सब्सक्राइबर हम तो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि हमें रियल लोग मिले हुए है, क्योंकि वो टर्की नहीं है, उस लड़की और चक्कर नहीं है, अच्छे से फीमेल्स भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, बॉयज भी उतने ही सपोर्ट, हम तो खुश है। बाकी इंसाफ आप लोग करो भाई, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि, और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हमारी वीडियो लोगों को अच्छी ना लगो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करो कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिंग की है आप लोगों ने, ये मतलब। तो ये था इन दो बिचारियों को, सही तरह से उन्होंने जो है रोक किया था।
तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल मॉनिटर।